अब देखो बोला गया कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस देन इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन. ट्रू ट्रू ट्रू. मतलब क्या है यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी इफ द इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस. गिवन पैरेलल लाइंस मतलब दो पैरेलल लाइन पहले ड्रॉ करो, कोई कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है, दो पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है, बस पहले वो ड्रॉ करो, बाद का बाद में सोचना. डन हो गया. अब एक बाइसेक्टर है, एक गिवन लाइन ऐसा. अच्छा परपेंडिकुलर बोला गया, एक मिनट परपेंडिकुलर बोला गया. गिवन अ लाइन इफ ए लाइन परपेंडिकुलर है तो बोला गया है कि यहाँ पे सोचो ये वाला लाइन है 90 डिग्री, ये दो लाइन पैरेलल से. इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस, मतलब इन दो पैरेलल लाइन गिवन है, सोचो एल एंड एम गिवन है, तो ये वाला एन वाला जो लाइन है वो एल के साथ पैरेलल, वन ऑफ द एनी टू, मतलब इन दोनों में कोई एक लाइन के साथ परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे सोचो ना एल के साथ एन जो है परपेंडिकुलर है. अब बोला गया कि देन इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन, मतलब एल के साथ अगर परपेंडिकुलर एन हुआ तो ये एन जो है ये एम के साथ भी परपेंडिकुलर होगा. अब बताओ दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और यस और नो? डेफिनेटली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये 90 मतलब ये भी 90 होगा, तो डेफिनेटली और एक जो लाइन है उसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा. कब? अगर ये दोनों पैरेलल हुआ तभी. तो ये ट्रू है. समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन? ठीक से कंसेप्ट यहाँ पे तुम रट्टा मार के कुछ नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट क्लियर करना है. देखो फिर से मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक लाइन है, ये बोला गया कि और एक जो लाइन है एन, ये वाला वर्टिकल वाला एक लाइन, कोई भी इन दोनों में कोई भी एक लाइन के साथ पैरेलल, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एल के साथ पैरेलल है एन, तो 90 डिग्री हुआ. अब बोला गया कि दिखाओ कि मतलब ऐसा कि हो सकता है कि वो एम के साथ भी परपेंडिकुलर होगा. मैंने पैरेलल कहा गलती में, वो परपेंडिकुलर है कि एल के साथ एन जो है परपेंडिकुलर है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो वो एम के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, एन होगा. क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये 90 मतलब ये भी 90, क्योंकि ये दोनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अभी ये 90 मतलब एन जो है एम के साथ परपेंडिकुलर, तो क्या लिख सकते हैं? इफ एल पैरेलल एम देन एन परपेंडिकुलर एल व्हिच इंप्लाइज एन परपेंडिकुलर एम ऑल्सो. गॉट इट? तो ट्रू है. इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाई ए ट्रांसवर्सल देन टू लाइन्स, बोला गया इसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. बोला गया है कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट बाई ए ट्रांसवर्सल. लाइन मतलब पैरेलल लाइन नहीं बोला गया है यहाँ पे, टू लाइन्स स्किप मत कर देना इस जगह पे. मैंने ये क्वेश्चन मेरे पास जो जो बच्चे पढ़ते हैं, मैंने जिनको ये क्वेश्चन दिया है वो लोग इसको पैरेलल लाइन सोच के गलत कर दिए है. तो बी केयरफुल. मैं फिर से कह रहा हूँ, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल, मतलब कोई भी दो लाइन ऐसा बाई ए ट्रांसवर्सल, ये दोनों ये जो एल और एम है ये पैरेलल नहीं है, कोई भी दो लाइन है बाई ए ट्रांसवर्सल एन, ओके, देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल. अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को चूज करते हैं. चलो सोचो ये और ये, तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो. सोचो ये वाला एक बाइसेक्टर है और ये एक बाइसेक्टर है. अभी देखो सोचो ये वाला एक बाइसेक्टर है और ये वाला एक बाइसेक्टर है, ठीक है. अभी देखो ये बाइसेक्टर मतलब इन दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है और ये बाइसेक्टर मतलब इन दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड कर रहा है. मैंने ना फिगर को और एक बार अच्छे से ड्रॉ किया ताकि तुम लोगों को समझ में आए. अभी इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हो गया, और इसका भी ड्रॉ करना है ऐसे. डन. देखो अभी ये दोनों पैरेलल हो रहा है, बोला गया मैं पहले शाम को समझो, ये है एल, ये एम और ये एन. बोला गया कि इफ टू लाइंस, कोई भी लाइन हमेशा पैरेलल ही है, यहाँ पे लाइक बोला गया था कि पैरेलल लाइंस, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि टू लाइंस मतलब हम पैरेलल भी हो सकते हैं लेकिन हम जनरल लाइन को चूज करेंगे, मतलब कोई भी है ऐसा है पजर्ड लाइन, तो दो नॉन पैरेलल लाइन चूज करो. तो अभी क्या है,
आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल एन के थ्रू ये इंटरसेक्ट हुआ है. ओके, देन द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, तो ये एक रेड में जो मैंने मार्क किया वो ऑल्टरनेट एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर ये वायलेट कलर का है लाइन, और यहाँ पे ये वायलेट कलर का, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा. कब पैरेलल होगा ये दो वायलेट कलर लाइन? जब ये दो ब्लू कलर जो लाइन है ये वाला और ये वाला, जब ये दो वाला पैरेलल होगा तब ये दोनों पैरेलल होता, तो ये फॉल्स है. मतलब हम लोगों के पास क्या है कि एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स, तो एसर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी. गॉट इट? चलो अभी नेक्स्ट. यहाँ पे बोला गया कि इफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज 60 डिग्री, तो टू इंटरसेक्टिंग लाइन, आई नीड टू इंटरसेक्टिंग लाइन, चलो ऐसा ऐसा बोला गया कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन ये है एल और ये है एम, दो लाइन इंटरसेक्ट किया है एट ओ. अब देखो पढ़ो, बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज 60 डिग्री, कोई भी एक एंगल जो है ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन से बन रहा है एक 60 डिग्री है. देन इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल इज 60 डिग्री, तो हमेशा क्या होता है ये वर्टेक्स है तो इसका ये एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इस इधर ये हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑलवेज, इसमें कोई भी कंडीशन की जरूरत नहीं है, ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसीलिए ये 60 है, 60 है, दैट्स वाई, तो ये ट्रू है. क्यों? क्योंकि ये 60 है और ये वाला वर्टिकली अपोजिट बोला गया है वो भी 60 होगा, हाँ होगा, क्योंकि ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर. रीजन, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल इज 60 डिग्री. मतलब बोला गया है कि मैंने अभी अभी जो बोला कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री, 60 क्या, यहाँ पे 70 बोला जाता तो वो भी ट्रू होता, 60 बोला जाता तो भी ट्रू होता, 80 बोला जाता तो भी ट्रू होता, और यहाँ पे ऐसा बोला जाता कि क्या कि देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, अगर ऐसा बोला जाता तभी भी ट्रू होता, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब ट्रू होगा, तो इसीलिए इसका अपोजिट बोला गया कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज 60. हाँ 60 क्या, यहाँ पे 70 बोला जाता तो भी होता, कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 60 मतलब क्या है, तो 60 60, 70 70, 80 80, ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पे 60 बोला गया तो 60, तो दोनों ही ट्रू है. तो ये जो रीजन है इसका करेक्ट एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये रीजन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, यहाँ पे एक्स वाई है और ये पी क्यू है, ये पी क्यू के साथ पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, मैंने एरो देके रखा है, देन द एंगल्स एक्स एंड वाई आर 70 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये 70, एक्स का वैल्यू बोला गया कि ये 70 हो सकता है और ये 40, चलो देखते होगा या नहीं. एक बात बताओ बच्चों, मैं जहाँ तक मार्क करूँगा वहाँ तक देखना, ये वाला सिर्फ ये वाला. ओके, ये क्या है 60 डिग्री, अभी ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये वाला भी क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ई ए वाई इक्वल्स टू एंगल ए बी क्यू, ये दो एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी 60 डिग्री होगा. अब बताओ वाई प्लस 20 को मिला के तो 60 आ रहा है ना, ये वाई है और ये 20 है, तो इन दोनों को सम करोगे तभी तो 60 आ रहा है, तो y प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 60 माइनस 20 40 डिग्री. देखो एक तो ऑप्शन गलत हो गया, y का वैल्यू यहाँ पे बोला गया कि रिस्पेक्टिवली, मतलब सेकेंड वाला है y का वैल्यू, मेरा आ रहा है 40 डिग्री, यहाँ पे बोल रहा है ये लोग 45 डिग्री, गलत, तो कोई भी एक गलत हो गया तो ये गलत है, दूसरे वाला को देखने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, ठीक है. लेकिन मैं पीडीएफ सॉल्यूशन में, मेरे जो मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा जो ऐप है उसमें पीडीएफ सॉल्यूशन में मैं सेकंड वाला भी वाई का वैल्यू भी कैसे, मतलब एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा. तो अभी के लिए बस यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ इसको, तो ये फॉल्स है क्योंकि कोई भी एक गलत है, मतलब गलत, ठीक है, तो एसर्शन तो फॉल्स है, तो बी, अब देखो एसर्शन फॉल्स है मतलब कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन एसर्शन इज फॉल्स मतलब ऑप्शन डी ही होगा ना,
रीजन को देख लेते हैं एक बार। चलो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हाँ, एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है बोलो? ये और ये 180 डिग्री तीनों एंगल का सम, तो वही है। तो रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी मैंने पहले ही कह दिया था। चलो नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन। इफ एंगल्स ए एंड बी फ्रॉम ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड ए इक्वल्स 40 डिग्री बी इक्वल्स 150 डिग्री। चलो ए, इफ ए एंड बी फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, अगर ये लीनियर पेयर हुआ तो इनका सम क्या होना चाहिए? डेफिनेटली 180 डिग्री आना चाहिए ए प्लस बी का वैल्यू। इफ ए एंड बी फॉर्म्स ए लीनियर पेयर, अगर ये दोनों एंगल अगर लीनियर पेयर फॉर्म करेगा तो इन दोनों का सम क्या होगा एंगल का? 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दिया गया है, चलो देखते हैं क्या होता है। 40 डिग्री 150 डिग्री, ये तो 190 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो ये फॉल्स हो गया ना। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए था? 180 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 190, तो फॉल्स। चलो रीजन, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। हाँ, ट्रू, दिस इज ट्रू। तो assertion is false, reason is true, assertion false, reason true, option number D। अब बताओ बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ, रुको, अगर मैं यहाँ पे 150 के जगह पे अगर मैं लिखूँ कि B equals to 140 degree, तो क्या होगा? A plus B का क्या आएगा? 40 plus 140 equals to 180 degree, आ रहा है ना? तो linear pair है। तो देखो, लीनियर बोला गया कि इफ एंगल्स ए एंड बी फॉर्म्स ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिस एंड दिस, अगर ये फॉर्म्स ए लीनियर पेयर क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का एंगल 180 आया तभी हम कह पाएंगे कि ये लीनियर पेयर है, फॉर्म्स ए लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का कंसेप्ट क्या है? सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री, मतलब कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 आया तो उसको लीनियर पेयर कॉल मतलब बुलाएंगे ना। तो रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता, बस इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दें। अगर हम स्कूल में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हूबहू यही आएगा ऐसा नहीं, यहाँ पे मॉडिफाई करके भी आ सकता है कि एंगल बी का वैल्यू 140 दे दिया और बोला बाकी से क्वेश्चन को सेम रख दिया गया, तो तभी आंसर ए होगा। रीजन भी ट्रू, क्योंकि रीजन तो ऑलरेडी ट्रू है और ये 140 के चलते ये दोनों का 180 आ रहा है, तो मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। और इसके मतलब रीजन के चलते ही मतलब एसर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो है ये वाला, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट, एसर्शन ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी है, ये सी डी के साथ पैरेलल है, अभी करना क्या है? ये वाला हो गया, एंड एंगल एफ मतलब ये वाला है 30 डिग्री। ओके, तो देन एफ सी डी, एफ सी डी ये वाला बोल रहा है कि बोलो कि 120 डिग्री होगा। चलो चेक करते हैं। अब बताओ बच्चों, तुम इसको बहुत तरीके से कर पाओगे, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी कर दूंगा, तो यहाँ पे अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वही करूँगा। देखो रीजन में आ जाओ, बोला गया कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाई ए ट्रांसवर्सल देन को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू पैरेलल लाइंस इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल, ईच अदर नहीं है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करवाओ। तो बोला गया कि देन को इंटीरियर एंगल्स, तो सोचो ये एक एंगल अगर चूज कर लेना, इसका को इंटीरियर होगा ये। अगर तुम बोलोगे सर मैं और कोई चूज कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, और एक प्रोसेस हो सकता है ये, तो इसका को इंटीरियर होगा ये। कोई भी एक पेयर को चूज करो, मैं रेड को चूज करता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों को इंटीरियर है, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का जो साम होगा वो होगा 180 डिग्री, इक्वल नहीं होता है, ये होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे फॉल्स। तो जो रीजन है वो फॉल्स है, रीजन फॉल्स कहाँ पे होता है? ये वाला देखो, तो ऑप्शन सी तो आएगा, फिर भी एसर्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। चलो
बोला गया कि इफ द गिवन एंगल इज गिवन फिगर इफ दिस एंड दिस पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, अभी क्या करना है, बोला गया कि ये जो 120, अगर ये 30 हुआ तो ये 120 होगा, ये बताओ हमें। देखो बच्चों, अगर हम इसका वैल्यू 30 है, ये नोटेशन का मीनिंग क्या है, 90, ये नोटेशन मतलब 90, तो इन दोनों का ऐड करोगे तो 120 आ जाता है ना। तो अगर ये 120 आ गया तो इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न दिया गया उसके उस तरीके से अगर मैं करने की कोशिश करूँ, मतलब को इंटीरियर के हेल्प के मदद से, ठीक है, तो क्या होगा कि देखो ये दोनों को ऐड करके ये 120 आ रहा है, तो रिमेनिंग एंगल ये क्या होगा बताओ, ये रिमेनिंग एंगल 120 180 से माइनस कर दो तो क्या होता है 60 डिग्री, तो ये वाला आएगा 60। अब ये 60 मतलब ये भी तो 60 ही आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला 60 ही आएगा ये वाला, ओके। तो अभी बताओ ये दो लाइन पैरेलल है तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180, तो डेफिनेटली 180 और ये तो 60 मिल गया हमें ब्लू में जो मैंने मार्क किया है, तो 60 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 120 डिग्री, और नहीं तो ऐसे सोचो कि 120 और 60 को ऐड करके तो 180 आएगा, तो 180 आ रहा है मतलब को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, तो ये तो सही है, ये ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनेगा, कैसे, अगर आर इक्वल के जगह पे यहाँ पे बोला जाएगा कि यहाँ पे अगर ये बोला गया कि को इंटीरियर एंगल्स देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन रीजन भी ट्रू है, एसर्शन भी ट्रू, और रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ये और एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, गॉट इट। तो आज के लिए तो इतना ही, सो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टूड, कैसा लगा इस तरह का अगर रीजन और एसर्शन वाला क्वेश्चन तुम्हें और चाहिए, क्योंकि इन दिनों क्या हो रहा है, तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं, तो और इस टाइप का वीडियो कंटेंट तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि वी नीड मोर वीडियोज़ लाइक दिस, तो ताकि मैं एंथू मिले और मैं बनाऊँ, तो डेफिनेटली 20 मोर देन 20 कमेंट्स इफ़ यू गेट मैं वीडियो बनाऊँगा, और एसर्शन रीजन का बाकी जो चैप्टर्स है वो भी बनाऊँगा, ओके, एमसीक्यू वाला भी बना सकता हूँ क्योंकि सिलेबस तो ख़त्म होने को आया है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ऑल ऑफ़ यू टेक केयर। अच्छा, और एक बात कहना है, अगर मेरा काम सच में अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और क्या सब्सक्राइब करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो, और अपनी जूनियर के, अगर कोई जूनियर को तुम पहचानते हो तो उनको भी शेयर करो ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि 7 का पूरा सिलेबस मैंने बना के रखा है। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।